अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट काइंड। आई एम गोना टीच यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। Today our lecture is about introduction of chemistry. First of all, let's see the main objectives of this topic. What is science? Branches of science. What is chemistry? Understanding of chemistry with example. Scope of chemistry. Disadvantages of chemistry, and the last one, advantages of chemistry. सबसे पहले हम देखते हैं what is science. Science क्या है? The knowledge that provides understanding of this world and how it works is science. ऐसा इल्म जो हमें दुनिया के बारे में बताए कि दुनिया क्या है, क्यों है और ये कैसे बनी, ये कैसे चलती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं साइंस। द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स नॉलेज। जो साइंस का लफ्ज़ है वो लातीनी ज़ुबान से निकला है और वो लफ्ज़ है साइंटिया। लातीनी में साइंस को कहते हैं साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो बेसिकली साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। इसके बाद देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में। बेसिकली लाइफ क्या है? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद केमिस्ट्री में, तो इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, सब कुछ। उसके बाद फिज़िक्स, फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये बात हमने पहले भी देख ली है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच होती है, विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब इन सब में हमने एक बात देखी है, मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर बेसिकली हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस हो और वो कुछ जगह घेरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड मार्कर, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, कंप्यूटर। तो हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जो कुछ जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर। अब केमिस्ट्री जो है वो मैटर की हर चीज़ की मैटर के बारे में हर चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखें कंपोजिशन ऑफ मैटर, के मैटर किस किस चीज़ से बनी हुई है। उसके बाद मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद मैटर के रिएक्शंस क्या हैं, कि वो कौन कौन से रिएक्शंस करता है। तो इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री जो है वो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में पाई जाती है। अब एग्जांपल के साथ केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और कुछ वज़न रखती हो। तो हमने एक मिसाल ली है, पानी की मिसाल ली है। तो पानी भी, पानी का वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरता है। तो उसकी देख लेते हैं सबसे पहले उसकी कंपोजिशन। तो पानी जो है वो दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। उसके बाद पानी की स्ट्रक्चर वो जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो
वाटर कलर लेस होता है, टेस्ट लेस होता है, अडर लेस होता है और पोलर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके रिएक्शंस के, जब पानी में से हम करंट को पास आउट करते हैं तो ये अपने, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये देखें इधर हाइड्रो वाटर की स्ट्रक्चर है कि ये इसकी पोलराइजेबिलिटी दिखाई जा रही है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। टेट्रा का मतलब होता है चार, तो वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब ये चार कोने शो कर रहा होता है, दो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। इसके बाद हम केमिस्ट्री का स्कोप देख लेते हैं। केमिस्ट्री प्लेज इम्पोर्टेंट रोल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो पेट्रोकेमिकल से बने हों। अब पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम से बने हों। ठीक हो गया। अब इनकी मिसाल है कि कुछ ऐसे मतलब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक्स, सॉप्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, रबर्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, डाइज, रेजिन्स। ठीक हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री जो है वो मेडिसन्स और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। उसके बाद पेपर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री। उसके बाद प्लास्टिक्स, पेंट्स, डाइज, प्लास्टिक बनाने में, रंगो रोगन बनाने में। ठीक हो गया। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। अब इंसेक्टिसाइड्स ऐसे ड्रग्स जो इंसेक्ट्स को किल कर दें, और पेस्टिसाइड्स ऐसे ड्रग्स जो पेस्ट को किल कर दें। अब इंसेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल्स होते हैं, और पेस्ट कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। The development of chemical industry has also generated toxic wastes, contaminated water and polluted air around us. अब जब एक chemical industry हमारे लिए, हमारे इस्तेमालात के लिए चीज़ें बना रही होती है, उसके साथ साथ वो कुछ toxic wastes भी release कर रही होती है, और साथ कंटैमिनेटेड वाटर मतलब जहर, पॉइजन मिक्स्ड वाटर होता है जो वो रिलीज़ करती है। उसके बाद वो टॉक्सिक स्मॉग भी रिलीज़ कर रही होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह जब वो टॉक्सिक चीज़ें निकालेगी अपने अंदर से, तो वो जब पानी के अंदर जाएगी, वेस्ट जो हैं वो पानी के अंदर जाएंगे, और वो पानी इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसके साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो नहर में गिरा दिया जाए अगर वो पानी, तो वो जानवरों के थ्रू इंसानों में भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो मतलब क्या है कि केमिस्ट्री के फ़ायदे भी हैं और इसके साथ साथ नुकसानात भी हैं। ठीक। इसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry also provides knowledge and techniques to improve our health, to improve our environment, to explore and to conserve the natural resources. तो सबसे पहले chemistry जो है वो हमारी सेहत को improve करने के लिए कुछ techniques बना रही है और हमें knowledge दे रही है। ठीक हो गया। जैसे drugs बनाते हैं, मेडिसन्स वगैरह, तो वो केमिस्ट्री की वजह से ही बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें, हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होती है। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं,
ऐसी टेक्निक्स बनाई जा रही हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि एयर में कितनी पोल्यूशन है और हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ कुदरती रिसोर्सेज जो हैं उनको दरियाफ्त करती हैं और साथ उनको महफूज भी करती हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू इंजॉयड इट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।